जो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आईफोन को बाय करें या फिर एंड्रॉयड को बाय करें, तो एंड्रॉयड के अंदर अभी के टाइम पे जो अच्छा फ़ोन आ रहा है आईक्यू और रियलमी, तो यहाँ पर आईफोन 12 प्रो, आईक्यू के नियो 6, आईक्यू 7 और रियलमी एक्स मैक्स तीनों ही फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। कुछ भाई ने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट पर कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन बाई करना चाहिए, मतलब कि आईक्यू के फ़ोन्स बाई करना चाहिए, फिर रियलमी के फ़ोन्स बाई करना चाहिए, फिर एप्पल बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म गेमिंग करने के लिए, मुझे लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करना है तो इसके लिए मुझे कौन सा फ़ोन बेटर होगा मेरे लिए। तो चलो गाइस, आज के वीडियो हम लोग बताने वाले हैं कौन सा फ़ोन आप लोगों के लिए ओवरऑल के लिए बेटर होने वाला है और किसके पर्सपेक्टिव व्यूज से किन लोगों को कौन सा फ़ोन को बाई करना चाहिए। तो एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों को एडिटिंग वगैरह करना है, जिन लोगों को हेवी टास्क करना है, बहुत सारा हेवी वर्क करना पड़ता है डे टू लाइफ में, आप लोग बहुत सारा अपना फ़ोन का यूज़ करते हो, उन लोगों के पर्सपेक्टिव व्यू और अदर्स जो गेमर होते हैं उन लोगों का पर्सपेक्टिव व्यू अलग होता है। तो दोनों के हिसाब से किन लोगों को कौन सा फ़ोन को बाई करना है वो ही बताने वाले वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइस, लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई बहुत जल्दी पीछे सेटअप भी बनने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट करो। नेक्स्ट पेमेंट आने के बाद यहाँ पर बनाने का मैंने सोचा है। तो और चलो गाइस, ज़्यादा वेस्ट ना करके चलते वीडियो की तरफ। मेरे चैनल पर आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे आईक्यू का फ़ोन, एमआई का फ़ोन, रियलमी का फ़ोन मैंने यूज़ किया है भाई, चैनल पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को जो एक्सपीरियंस देखने मिला है उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपका भी एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सबके पर्सपेक्टिव व्यू से जो अच्छा होगा, जिसके लिए जो फ़ोन अच्छा होगा वही बताऊँगा। तो गारंटी से आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो भरोसे के साथ। प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, तो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए कौन सा फोन बेटर होगा, बीजीएमआई खेलने के लिए कौन सा फोन बेटर होगा, आप लोग हेवी एडिटिंग वगैरह करते हो, हेवी यूज़ करते हो, तो किसके लिए कौन सा फोन बेटर होगा उसके बारे में बात करने वाले। तो एक एक पॉइंट से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सभी पॉइंट पे कौन सा फोन बेटर होगा उसको एक एक पॉइंट हम लोग देने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले का। तीनों फोन के अंदर डिस्प्ले कौन सा फोन में ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर आईफोन का डिस्प्ले भी यहाँ पर सैमसंग बनाता है, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, और यहाँ पर रियलमी और आईक्यू दोनों ही फोन में हम लोग को एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है, जो कि सैमसंग का यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले। तीनों के अंदर का जो डिस्प्ले का क्वालिटी, उसमें हम लोग को आईफोन में ज़्यादा बेटर डिस्प्ले देखने मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो रियलमी में हम लोग को आउटडोर में विजिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने मिलता है, कलर सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने मिलता है, और अगर बात करते हैं थोड़ा सा पंची कलर देखने मिलता है रियलमी में। और अगर बात करते हैं आईक्यू का, आईक्यू में हम लोग को नेचुरल कलर देखने मिलता है, आउटडोर में अच्छा विजिबिलिटी देखने मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में रियलमी का डिस्प्ले आईक्यू से ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पर तीन नंबर पर हम लोग आईक्यू को रखते हैं, दो नंबर पर रियलमी और एक नंबर पर आईफोन, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है आईफोन को। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर का, तीनों ही फोन के अंदर कौन सा फोन में ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आईफोन के अंदर हम लोग को बायोनिक का चिपसेट देखने को मिलता है, और यहाँ पर आईक्यू के अंदर हम लोग को स्नैपड्रैगन मीडियाटेक और रियलमी के अंदर भी सेम ही स्नैपड्रैगन मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही फोन से, यहाँ पर रियलमी या फिर आईक्यू बोल सकते हो एंड्रॉइड से, एप्पल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है अपना प्रोसेसर के साथ, लेकिन यहाँ पर रियलमी और आईक्यू के अंदर कौन सा फोन ज़्यादा ऑप्टिमाइज है प्रोसेसर के साथ, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग दोनों ही फोन के अंदर सेम ही प्रोसेसर को लगा दें, एक रियलमी के फोन में और आईक्यू के फोन में, तो ऑप्टिमाइजेशन ओएस का ज्यादा बेटर होगा रियलमी में, लेकिन गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा आईक्यू के फोन में। सो गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है आईफोन को, और दो नंबर पे हम लोग रखने वाले आईक्यू को, और तीन नंबर पे रियलमी को। सो अभी कैसे हम लोग बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गाइस गेमिंग। सो गेमिंग के लिए कौन सा फोन बेटर होगा। हाँ रुको भाई, हम लोग बस गेमिंग के, मतलब सिंपल गेमिंग के बारे में बात नहीं करने वाले, ओवरऑल अंदर जाके हम लोग गेमिंग के ओवरऑल सब कुछ, जो जायरोस्कोप, जो हम लोग को गेमिंग टच सैम्पलिंग रेट, कौन सा फोन में बेटर टच रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और उसके साथ गाइस लॉन्ग टाइम गेमिंग गेमिंग के लिए कौन सा फोन ज्यादा बेटर होगा, गेमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर उसमें कौन सा फोन ज्यादा बेटर होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, हम लोग बात करने वाले गेमिंग के लिए भी कौन सा फोन ज्यादा बेटर होगा। तो ओवरऑल गाइस, गेमिंग के अंदर जो जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, जायरोस्कोप, टच सैम्पलिंग रेट, सब कुछ हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर बस मतलब ऐसे ही गेमिंग के लिए कौन सा बेटर होगा ऐसे नहीं, प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। सो गाइस, पर अगर बात करें आईफोन का, सो आईफोन के अंदर हम लोग को गेमिंग में एंड्रॉइड से पहले से ही काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पहले से ही देखने को मिलता था, लेकिन गाइस अभी के टाइम पे एंड्रॉइड भी ऐसा ऐसा फोन लॉन्च कर रहा है जो कि एप्पल को या फिर आईफोन को सीधा टक्कर देने वाला है, मतलब दे रहा है अभी भी। सो इस पर अगर बात करें आईफोन का, तो उसमें बुलेट कनेक्ट ज़्यादा होता है, एमएसी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम इस फोन में देखने को मिलता है जो कि है हीटिंग इशू। आईफोन में गेमिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू हम लोग को देखने को मिलता है, और जब हीट होता है फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलता है। तो आईफोन 12 प्रो वर्सेस मैंने आईक्यू 7, आईक्यू नियो 6 का एक वीडियो बना था, जो कि चैनल में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, पर थंबनेल आप लोग देख सकते हो, जाके आप लोग चेकआउट इजिली कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, जिन लोगों का भरोसा नहीं हो रहा है। ओके, सो गाइस, लोग बात करने वाले आईक्यू के फोन्स के बारे में। सो गाइस, आईक्यू के फोन्स अगर आप लोग यूज़ करते हो, तो उसके अंदर गाइस जो भी फोन में
यहाँ पर देख रहे हो ज़्यादातर फोन में अभी के टाइम पे जो लॉन्च हो उसके अंदर गेमिंग इंटेलिजेंस चिप देखने को मिल रहा है, तो उसमें गाइज IQ के अंदर हम लोग को परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बेटर देखने को मिल रहा है। और हीटिंग इशू भी IQ के फोन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और हीटिंग होता है तो भी यार लैग मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा कर लेता है। और ज़्यादातर गाइज बहुत सारा फोन अभी IQ का फेमस हो रहा है, IQ Neo 6, IQ Neo 7 Pro, IQ Neo 7, तो उसमें गाइज गेमिंग परफॉर्मेंस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है पहले के टाइम पर जो एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलता था। क्योंकि गाइज यहाँ पर जो IQ का फोन से प्रोसेसर के साथ काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, और यहाँ पर गाइज परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर हीटिंग इशू अगर देखने को मिलता है, हाँ एंड्रॉइड में लैग देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी फोन में हम लोग को ये गेमिंग इंटेलिजेंस चिप दिया गया है IQ 7 और उसके साथ IQ Neo 7 Pro, IQ 9 SE, वो सब फोन में 888 जैसा हीटिंग वाला प्रोसेसर होने के बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हीट मैनेजमेंट कर लेता है। तो अभी के टाइम पर भाई IQ का फोन अपना परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और परफॉर्मेंस के हिसाब से फोन लॉन्च कर रहा है, तो इसलिए गाइस BGMI परफॉर्मेंस IQ के फोन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर iPhone से सीधा यहाँ पर IQ टक्कर तो ले रहा है। कंपेयर करने वाले रियलमी के साथ, तो रियलमी के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? सो गाइस सोच लो कि रियलमी के फोन में सेमी प्राइस का IQ और रियलमी का फोन, और दोनों ही फोन में सेमी प्रोसेसर सेमी सब कुछ लगा है, लेकिन किसी पर जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा IQ का फोन का ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। सो इसलिए गाइस गेमिंग के हिसाब से रियलमी से भी IQ ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो किसी पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रियलमी का फोन खराब है, रियलमी के भी बहुत सारा फोन है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लेकिन IQ का फोन यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को गेमिंग के अंदर देखने को मिलेगा और रियलमी से भी बेटर देखने को मिलेगा। सो हम लोग बात करते हैं जायरोस्कोप प्रॉब्लम या फिर ओवरऑल, तो आईफोन के कोई भी डिवाइस में भी जायरोस्कोप का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, लेकिन रियलमी के X7 Max, रियलमी का कुछ डिवाइस में प्रोसेसर मीडियाटेक का दिया था या फिर स्नैपड्रैगन के, उसके अंदर हम लोग को थोड़ा मोरा जो जायरोस्कोप का प्रॉब्लम देखने को मिलता था। और पहले के टाइम पर भी रियलमी जो मैं यूज़ कर रहा था उसमें गाइज यहाँ पर जायरोस्कोप का प्रॉब्लम देखने को मिलता था और वीवो के फोन में देखने को मिलता था, लेकिन भाई अभी के टाइम पर जो IQ और रियलमी का फोन लॉन्च हो रहा है उसके अंदर गाइज जायरोस्कोप का इशू देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर IQ और रियलमी का जायरोस्कोप से, लेकिन गाइज एक प्रॉब्लम यहाँ पर IQ के फोन में ही देखने को मिलता है जो कि टच इशू, टच रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर रियलमी के फोन में काफ़ी फास्ट टच रिस्पॉन्स देखने को मिलता है सभी फोन में, लेकिन IQ Neo 6 ऐसे भी बहुत सारे IQ का 2-3 फोन है जिसके अंदर हम लोग को टच से लेकर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा रियलमी और आईफोन से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसीलिए गाइज क्लोज रेंज फाइट में आपका इंप्रूवमेंट बन नहीं पाता। लेकिन गाइज अदरवाइज अगर बात करें हीटिंग मैनेजमेंट का गेमिंग के अंदर, तो आईफोन यहाँ पर हीट करता है और जितना ज़्यादा हीट करेगा लैग करने लगेगा, तो फैन के नीचे बैठ कर आप लोग आईफोन से गेम खेल सकते हो और बहुत ज़्यादा हीट होता है तो भी यार उतना ज़्यादा लैग नहीं करता। लेकिन अगर बात करें IQ का फोन का हीट मैनेजमेंट ठीक ठाक है, थोड़ा मोरा हीट कर जाता है लेकिन उसमें लैग काफ़ी कम होता है, लेकिन रियलमी के फोन में हीट उतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन लैग उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बिलीव नहीं हो रहा है, तो गाइज मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइज IQ 9 SE और Realme GT 2 दोनों में 888 लगा है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस हम लोग को IQ 9 SE के अंदर ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है गेमिंग के अंदर, और Realme GT 2 काफ़ी बार लैग कर जाता है, हीटिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोग शायद एक ही नहीं करोगे, मैंने बहुत बार देखा है कि IQ का फोन आईफोन से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है लॉन्ग टाइम गेमिंग तक, मतलब 3-4 घंटे अगर गेमिंग करते हो आईफोन ज़्यादा हीट कर जाता है, बैटरी ड्रॉप ज़्यादा होता है, और यहाँ पर IQ का फोन परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रन कराता है। जैसे कि मेरे पास IQ 7 और आईफोन 12 प्रो है, इसका मैंने डिटेल्स हैंड कैम करके आप लोगों को वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, दो फोन ही मैंने 2 साल तक यूज़ करा, 2 साल से कहीं ना कहीं दोनों के अंदर बेटर परफॉर्मेंस मुझे IQ के फोन में देखने को मिला है। तो यहाँ पर गाइस IQ का फोन काफ़ी बार यहाँ पर आईफोन को भी बीट कर देता है गेमिंग के अंदर, जो कि मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखा है, ऐसे हवे पे बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर चैनल पर मैंने हैंड कैम करके वीडियो बनाया है, दोनों के अंदर मैंने पूरा गेमिंग टेस्ट किया है, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो मेरे कॉमेंट पर बहुत सारे लोग बता दे तेरे को IQ से पैसा मिलता है कि IQ कंपनी से, ये क्या वो क्या। तो गाइस यहाँ पर पहले के टाइम पर मैं MI के फोन के बारे में अच्छा पता था, क्योंकि MI का फोन अच्छा होता था पहले के टाइम पे, उसके बाद Realme X7 Max आया था, उसके बाद Realme कुछ ऐसा फोन आया था जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैंने उस फोन के बारे में अच्छा पता था। तो कैसे पर जो भी कंपनी अच्छा काम करेगी उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग फोन बाई करने के बाद रिग्रेट करो। जिन लोगों को पैसा मिलता है वो लोग बताएंगे कोई भी खराब फोन के बारे में, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता, तो सही होगा बताऊंगा कि सपोर्ट मिलेगा और भी आगे जाएंगे हम। सो कैसे हम लोग देखने वाले कैमरा कौन सा फोन का ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। सो कैसे पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ IQ का फोन के सब कैमरा आप लोग देख सकते हो, IQ 7 से मैंने क्लिक किया है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग फोटो का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, ये भी फोटो मैंने IQ 7 से क्लिक किया, ये भी, और ये मैंने आईफोन से क्लिक किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वारा में स्टोन थोड़ा सा दे देता है, और यहाँ पर ये भी फोटो आप लोग देख सकते हो, ये भी मैंने आईफोन से क्लिक किया है।
ये फोटो क्लिक किया था आईपैड से, तो आईपैड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहता है आईफोन से। सो अभी हम लोग देखने वाले पर रियलमी का कैमरा, आप लोग देख सकते हो ये फोटो मैंने रियलमी से क्लिक किया था और ये फोटो डे लाइट में रियलमी से, तो नाइट लाइट में ज़्यादा अच्छा वर्क किया लेकिन डे लाइट में उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं दे रहा था। इंडोर में काफ़ी अच्छा वर्क करती है आप लोग देख सकते हो, और रियलमी का फोन मैं आज से यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत दिन पहले, यहाँ पर 3 साल पहले मैंने इस फोन को बाय किया था जो कि रियलमी का। यहाँ पर अब रियलमी 3 आई है और रियलमी का कैमरा उतना अच्छे से, मतलब कैमरा के लिए बोल नहीं सकते, ऑन एन एवरेज कैमरा देखने को मिलता है रियलमी में फ्रंट कैमरा में सेल्फी में। लेकिन अगर बात करें वीवो का, तो वीवो के फोन के अंदर हम लोग को ज़्यादा बेटर कैमरा देखने को मिलता है। अगर भाई आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो, अगर यकीन करते हो, अगर यकीन ना करते तो पता नहीं गाइज, आप लोग खुद ट्राई करके देखो, आप लोगों को हर एक सिचुएशन में आईक्यू का कैमरा ज़्यादा बेटर निकल के देगा। अगर कोई भी आईक्यू का फोन का आप लोग अगर एक बार यूज़ कर दो, आप लोग दूसरे फोन की तरफ जाओगे नहीं कैमरा में, उससे ऊपर एक फोन का, हाँ अगर ज़्यादा प्राइस का आईफोन बाई कर दो उसमें कैमरा वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर देगा। लेकिन गाइज 30,000 के अंदर कोई भी आईक्यू का फोन को बाई कर दो भाई, 50-60,000 का आईफोन भी कैमरा या फिर वीडियो क्वालिटी में अगर बोले लो लाइट कंडीशन में, अगर बोले हर एक कंडीशन में बेटर परफॉर्मेंस निकल के देता है। लेकिन आईफोन का जो 60 FPS का 4K का वीडियो, उसमें ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन या फिर ज़्यादा बेटर क्लियर हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलता है आईफोन में। लेकिन गाइस यहाँ पर आईक्यू कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अगर आप लोग भाई मुझसे पूछते हो एलेक्स भाई तू कैमरा के लिए कौन सा फोन को बाय करेगा, तो गाइस यहाँ पर मैं आईक्यू का फोन को बाय करूंगा, और आईक्यू का फोन हर एक टाइम पे मैं कैमरा के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इसका ही मैंने डिटेल्स वीडियो बना दिया जो कि कैमरा परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब पूरा गेमिंग टच भी उसके अंदर, कैमरा भी नाइट लाइट में मैंने दिखा है किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है। तो मैंने आप लोग एग्जाम्पल दे दिया, प्रूफ दे दिया। तो अभी अगर आप लोग बोलते हो आईफोन कैमरा ज़्यादा बेटर है चौड़ में आके, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो पसंद है आप लोग वो बाय कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से गाइस जो सही है वो सही है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट चला जाता है आईक्यू के ऊपर जो कि परफॉर्मेंस पॉइंट, यहाँ पर गेमिंग पॉइंट और कैमरा पॉइंट भी यहाँ पर आईक्यू के ऊपर ही ज़्यादा जाता है मेरे को भाई, मतलब मेरे दोस्त को, जो भी दोस्त को मैंने दिखा भाई यहाँ पर किसका फोटो बेटर है, सभी ने बोला आईक्यू का। सो गाइस यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन के बारे में जो कि आपके अंदर है, श्योर होगा कि यहाँ पर अगर कोई एप्पल को हम लोग बाय करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं 5-6 साल, लेकिन एंड्रॉयड को हम लोग उतने दिन यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले भाई ये बात आप लोग सोचो, इधर ही आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि इस आईफोन आप लोग बाय करोगे 60-70-80,000 से। हाँ, लेकिन गाइस ऐसे स्पेकुलेशन का हम लोग को आईक्यू के ऊपर रियलमी का फोन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे 25,000 में, रियलमी GT2, रियलमी GT Neo 3, IQ Neo 6, IQ 7, बहुत सारा ऐसा फोन है, IQ Neo 7 30,000 के अंदर देखने को मिल रहा है 25,000 में भी। एक बार अपना दिमाग लगाओ और सोचो, एक आईफोन के प्राइस से आप लोग कितना सारा एंड्रॉयड बाई कर सकते हो। अगर एक एंड्रॉयड अभी टाइम का एंड्रॉयड फोन भी 4-3 साल टिक जाए, से लेकर 4 साल तक अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस भी दे देता है, तो अभी आप लोग सोचो एक आईफोन के प्राइस से आप लोग 3 एंड्रॉयड फोन को बाई करके भी और भी पैसा आपके पास बच जाता है, तो गाइस किसमें फायदा है गाइस। 3 साल करके हम लोग सोच लेते हैं, 3-9 साल आप लोग एंड्रॉयड फोन को बाई कर सकते, लेकिन अगर शॉप के लिए बाई करना है तो हाँ एप्पल सही है। लेकिन गाइस जैसे जो हवा आपने बना के रखा है जो कि गाइस एप्पल आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, पैसा कितना ले रहा है आप लोग सोचो। लेकिन गाइस जो आईफोन का रीसेल वैल्यू है ज्यादा देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड से, तो इसमें गाइस एक फायदा है। और अगर तुमको सिक्योरिटी चाहिए बहुत बड़ा, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम क्या सोच रहे हो, हाँ क्या है तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड का नंबर, वो कोई नहीं लेगा भाई। तो गाइस यहाँ पर आप लोग अगर सिक्योरिटी के लिए कोई भी फोन को बाय करना चाहते हो, तो उसके लिए गाइस आईफोन ज्यादा बेटर होगा दोनों ही एंड्रॉइड फोन। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिल जाता है आईफोन को, और भाई आईफोन अगर आप लोग यूज कर रहे हो वाटर प्रूफ देखने मिलेगा, तो पानी वानी में लेके जा सकते हो थोड़ा मोरा, तो हाँ पानी के अंदर आप लोग चुहा सकते हो, डुबा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गाइस एंड्रॉइड डुबाओगे हाँ खत्म हो जाएगा, मेरे एक दोस्त का वन प्लस का फोन लेके गया था, वाटर प्रूफ है, पानी के अंदर भाई गया खत्म। तो चलो भाई ये एडवांटेज आईफोन के अंदर देखने मिलता है, तो एक और पॉइंट गाइस आईफोन को। लेकिन गाइस अगर आपको एडिटिंग वगैरह करना है, तो गाइस यहाँ पर एडिटिंग में एप्लीकेशन वगैरह आपको परचेस करना होगा आईफोन में, और ज़्यादा बेटर आप लोग एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पर आईक्यू या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन या फिर अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह, ज़्यादा वेबसाइट आप लोग एंड्रॉइड के अंदर चला सकते हो, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ मैसेज वगैरह सेंड करना है, डॉक्यूमेंट्स पे फोटो सेंड करना है आईफोन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, जो कि एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि आईफोन का सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से गाइस एंड्रॉइड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारा एप्लीकेशन फ्री में देखने को मिलेगा एंड्रॉइड में, लेकिन आईफोन में नहीं मिलेगा। तो और भी बहुत सारा डिसएडवांटेज आईफोन के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, चार्जर आपको बाई करना है, फास्ट चार्जिंग बाई करना है, 2000-3000 ले लेगा, 1-1.5 साल बाद आपको बैटरी चेंज करना होगा, अगर हेवी गेमिंग कर तो बैटरी का चार्ज ज़्यादा देर तक सप्लाई नहीं देता, उसके बाद फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रहा, जाकर एंड्रॉइड के अंदर फोन को 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज करा रहे हैं, और आईफोन यहाँ पर गाइस ज़्यादातर मतलब बहुत देर लेता है, अगर फास्ट चार्जिंग से भी चार्ज करोगे 1 घंटा लगा देगा, और इसके लिए आपको इतना सारा पैसा आपको पेड करना होगा। अगर डिस्प्ले गिर के टूट जाता है 23,000 तो ऐसा आपको खर्च आएगा। तो कोई भी फोन बाई करना इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए गाइस यहाँ पर मैं सजेस्ट करता, अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हो
तो आपको अगर बहुत ज़्यादा शौक है तो आप लोग ले सकते हो। लेकिन जो लोग यार खुद को अमीर दिखाना चाहते हो, एक बात मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि गाइज अमीर जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग शो ऑफ ज़्यादा नहीं करते, जिन लोगों के पास नहीं होता है वही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। और शो ऑफ करके क्या मिलेगा तुमको, हाँ लड़की का मोबाइल नंबर, हाँ तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे जो मेरे ओपिनियन चाहते हो तीनों ही फोन के यूज़ करने के बाद मेरे को किस में ज़्यादा बेटर लगा है, तो गाइज कुछ लोग को आईफोन अच्छा लग सकता है, कुछ लोग को एंड्रॉयड चलाने में अच्छा लग सकता है, लेकिन आईफोन मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग लगता है। और अगर मैंने कोई भी चीज़ मैंने देखा है शौक के लिए मैंने बाय किया, लेकिन बाद में जाके मैं सोचता हूँ भाई मैंने क्यों ही बाय किया, तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन के ऊपर इतना सारा पैसा आपको वेस्ट करना चाहिए। तो या पर आप लोग ले भी सकते हो अच्छा है, लेकिन आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर दो, पैसा नहीं आपके पास उतना ज़्यादा, तो 50,000-60,000 बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड हैंड भी बाई कर दो 30,000-35,000 पर जाएगा, आईफोन 12 भी बाई कर दो तो उसके लिए गाइज मैं नहीं चाहूँगा। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो, लेकिन गाइज यहाँ पर एंड्रॉइड फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर सेकेंड हैंड एंड्रॉइड ले लें तो 14,000-15,000 में मिल जाएगा, वो भी यार वारंटी के साथ। अगर 15,000 से कोई भी फोन को आप लोग सेकेंड हैंड बाई कर दो, जैसे कि IQOO Neo 6 मिल रहा है 20,000 में, उसको अगर बेचने जाओगे 18,000-20,000 मिल ही जाएगा 6-8 महीने बाद, उसके बाद दूसरा फोन बाई कर लेना तो एप्पल में मिलेगा, लेकिन ये पैसा ज़्यादा पेड करना होगा। तो परफॉर्मेंस भी पर बेटर देखने को मिल रहा है सभी फोन में, IQOO फोन भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन है तो ही आप लोग आईफोन को बाय करो, और ज्यादातर पॉइंट पर मिलता है IQOO को, उसके बाद आईफोन को, उसके बाद रियलमी को। सो गाइस जरा अभी डिसाइड करो आपको कौन सा फोन को बाय करना है, कौन सा फोन आप लोग यूज करो, कमेंट करना, कोई भी हेट मत फैलाना जो सच है मैंने वही बताया, कुछ भी चीज मेरे बात गलत लगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, या फिर खुद का भाई समझ के आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि भाई तूने ये चीज मिस्टेक किया, ये चीज तूने गलत बताया। तो चलो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं ज्यादा को मेरे से साथ, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, लव यू ऑल। बहुत ज्यादा गीला हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, सपोर्ट करना आप लोग ऐसे जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए, और नहीं हो रहा मेरे से, तो लव यू ऑल गाइस। हो सकता है वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, तो लव यू ऑल, बाय बाय।